गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। अच्छा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और आने देते हैं कुछ बच्चों को, ठीक है? यस सर। ओके सर। कुछ बच्चों को आने देते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो हेलो, और कैसे हो आप लोग? ये बताओ यार, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो क्या? जो 15 मिनट का जो प्रिपरेशन हो रहा है, जो मेजर टेस्ट के लिए, क्या आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो क्या? बताना जी जरा। यस यस करते रहो यार, अच्छे से करते रहो, ठीक है? अच्छे से करते सर। रहो। यस सर। आप लोग अच्छे से करते रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? लोग अच्छे से करते रहो, ठीक है? रुकते हैं कुछ टाइम। कुछ टाइम रुकते हैं, ठीक है? कुछ टाइम रुकते हैं, रुकते हैं कुछ टाइम, 1-2 मिनट और रुकते हैं। कुछ बच्चों को आने देते हैं, कुछ बच्चों को आने देते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पता है आज मैंने क्या डिसाइड किया है? आज मैंने डिसाइड किया है ना कि जो आप लोग का परसों संडे टेस्ट है ना, किस चैप्टर का टेस्ट है बताना जरा आप लोग। सर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ क्वेश्चन रिविजन के लिए लाया हूँ, ठीक है? कुछ क्वेश्चन रिविजन के लिए लाया हूँ। तो आज हम लोग क्या करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्या करेंगे बताओ जरा? रिविजन कर रिवीजन लेंगे, ठीक है? रिवीजन रिविजन कर लेंगे। और लास्ट 15 मिनट बचेगा तो हम लोग किसका रिवीजन करेंगे बताओ जरा? क्लास 11th का। क्लियर है क्या मेरी बातें? हाँ, जी सर। यस सर। क्लास गुड 11th का इवनिंग रिवीजन। सर। गुड इवनिंग नंदिनी। गुड इवनिंग। कुछ टाइम और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, ठीक है? हाँ जी बताओ भाई, किसी को कुछ भी पूछना है? युवराज, युवराज आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं टेस्ट में? युवराज आप बताओगे कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं टेस्ट में? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही आप लोगों को? सर ऑडिबल है। हाँ, ये बताओ आप लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? डीपीपी, सॉरी बोले तो मॉड्यूल, मॉड्यूल आप लोग को मिला है ना? उस जो भी आपका यस केमिस्ट्री सर। मटेरियल होगा उसमें यस मॉड्यूल है। सर। तो मॉड्यूल में स्टीरियो केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर होगा, वो भी क्या करना है आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? जब तक आप ओके लोग, सर। क्योंकि ना उसके नाम से कोई चैप्टर है नहीं, उसके नाम से कोई चैप्टर है नहीं, लेकिन वो कभी कभी क्वेश्चन आता है उसके, तो फिर हम लोग कहाँ से करेंगे बताना जरा? हम लोग वहीं से तो करेंगे ना, मॉड्यूल से ही। तो मॉड्यूल से आप लोग सॉल्व यस करना, सर। क्योंकि बुक में ऐसा ओके आपको कुछ सर। नहीं मिलेगा, लेकिन इसके एप्लीकेशन पार्ट मिल जाएंगे आपको, इसके एप्लीकेशन पार्ट मिल जाएंगे। तो 2-3 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, कुछ टाइम और रुकते हैं हम लोग। 2 मिनट और रुकते हैं ताकि कुछ बच्चे और ज्वाइन हो जाए, तो हम लोग अपनी क्लास एकदम स्मूथली से स्टार्ट कर सर सकते हैं। हाँ जी बताओ। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये ऑर्गेनिक में आता है ना? ये ऑर्गेनिक, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हाँ ऑर्गेनिक में आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ना ऑर्गेनिक में ही आता है, ऑर्गेनिक का ही पार्ट है ये। किसका पार्ट है? ऑर्गेनिक का ही ओके पार्ट है। सर। क्लियर ऑर्गेनिक। है क्या? क्लियर यस सर। है, क्लियर है। तो रुकते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है, बातें किया जाएगा। 2 मिनट और रुकते हैं, तब तक आप लोग को कुछ पूछना है या फिर आपके मन में कुछ भी हो तो आप लोग बातें कर सकते हो मेरे से उसके लिए। किसी को भी कोई डाउट है मन में? हाँ सर।
जी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यार। रुकते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा। 1 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? 1 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा। चलो ये बताओ, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? बताना जरा आपको। नो सर, अब बताना जरा, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर, क्या सबको दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन? यस सर, यस सर, सबको दिखाई दे रहा है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आओ बातें कर लेते हैं कुछ, हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास किसके लिए है? जो कि हमारा क्या है, संडे टेस्ट को क्या है, संडे को टेस्ट है, टेस्ट है। उसके लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन रखा है। हाँ जी बताओ भाई, बताओ बताओ। कल नहीं कल नहीं होगा, कल तो भी आपकी क्लास ही नहीं है, हमारे साथ तो क्लास नहीं है कल। होगा क्या है सर? रिवीजन क्लास होगी, बैकलॉग नहीं सैटरडे हमारी क्लास नहीं है ना, ये मैं अपनी बैकलॉग बैकलॉग क्लास। बैकलॉग्स क्लासेस आपके कंप्लीट हो गए या फिर बचे हैं, पहले ये बताओ। सर अपनी होगी, मैंने लोकेश सर से पूछा था तो उन्होंने कहा अपनी होगी ठीक सैटरडे को। सर है, कंप्लीट हो गया होगा तो नहीं होगा, क्लियर है कल क्या? क्यों नहीं होगी क्लास? तो सर क्या क्या होगा संडे कल 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 को? मेरी क्लास नहीं होगी ना, आप लोग के साथ मेरी क्लासेस थोड़ी होती है, कल अच्छा हाँ सैटरडे को सर, नहीं होती है यस ना, सर, नहीं यस सैटरडे सर, नहीं होती है यस सर, सर, मेरी क्लास नहीं होती। ये लास्ट क्लास है मतलब वीक का लास्ट क्लास है आपका मेरे साथ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग के साथ रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ नहीं हुआ ओके माधव, सर, कुछ नहीं हुआ। तो सभी को ये करना बताओ, चाहिए कॉपी पेन लेके बैठ गए हो ऑडिबल। क्या? यस सभी सर, ऑडिबल हो यस सारे सर, लोग, सभी कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ अभी भी, यस ठीक है? सर, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग सभी कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आप सबको रिप्लाई करना है, कोई ऐसे फेस छुपा के भागेगा नहीं, ठीक है? ओके सर, चलो जी सर, फटाफट इसका आंसर बताओ, फटाफट इसका आंसर बताओ, बताओ जल्दी से। सर, ये सब डीपीपी का, डीपीपी बोला मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, सबका सभी है, सबका सब ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? अदर बाकी लोग बताओ, देखते हैं कितने लोग हैं परफेक्ट आंसर देते हैं। अभी तो केवल नंदिनी ने रिप्लाई किया। माधव, सूरज, कनीषा, वाणी, प्रगति, नंदिनी, दीपांशी, अंशिका। पहली सर बात सुन लो, फिर से देखो ध्यान से जरा, पहली बात सुन लो। मान लो कि अगर हमारे पास कोई क्या है, कोई हमारे पास कंपाउंड है, तो यहाँ पे EN3 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई CR CN6 दिया हुआ है। तो जब ऐसे कोई भी कंपाउंड हो ना, तो अगर इसका लिगेंड इसमें चला जाए और इसका लिगेंड इसमें चला जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन, इसकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो पहला मैं क्या गलत बोला यार, हमसे 3 करेक्ट पूछ रहा है, सही तो बोला है पहला वाला, बिल्कुल सही बोला है, नहीं समझे? इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, क्लियर है क्या? अब देखो दूसरा, देख लो दूसरा। अब दूसरा में एक लिगेंड SCN, क्या है लिगेंड? SCN। अब ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे ना, यह S से भी डोनेट कर सकता है और कहां से डोनेट कर सकता है, N से भी डोनेट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है ना कि यह लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसलिए क्योंकि यह S से भी मेटल के साथ जुड़ सकता है और किसके साथ जुड़ सकता है, एन N के भी साथ जुड़ सकता है। तो सिंपल सी बात, यह कौन सा आइसोमेरिज्म देगा जरा बताना आप लोग, लिंकेज आइसोमेरिज्म देगा, क्लियर है क्या बात है? क्लियर है जी सर। थर्ड वाला देखो, यह भी सही बोला। थर्ड वाला देखो कि हमारे पास कुछ ऐसा इस टाइप का कुछ हमारे पास कंपाउंड है, अब यह बोलना कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देगा, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जो हमारे पास NO2 होता है ना, यह माइनस में होता है और SO4 भी माइनस में होता है, यह आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे,
चेंज इंटरचेंज हो जाएंगे तो एसओ फोर अंदर चला जाएगा और एनए टू कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर जब ऐसे ऐसे होता है तो इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो गलत कौन सा है, लास्ट वाला ही गलत है। None of these. Fourth. क्लियर है क्या मेरी बातें? जी सर। यस सर। थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा आप लोग पढ़े हो, इसका बताओ जरा, इसका जरा आप लोग बताओ ना, बताओ आप लोग इसका। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री। थर्ड ऑप्शन। कैसे थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन कैसे हो? क्योंकि ईडीटीए जो है वो फोटो बनाता हूँ। ईडीटीए का फोटो कुछ ऐसे हमारे पास है, एन सी एच टू सी एच टू सी एच टू, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और सी एक एसीटेट है ना, यहाँ पे आएगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ पे क्या आएगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ले लो या फिर ओ एच ले लो, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे आएगा सी, यहाँ पे एन आएगा, एन मैंने वो कर दिया ऐसे रहना आएगा उधर। हाँ, यहाँ पे भी सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ माइनस, और यहाँ पे भी सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस, यह भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, यह भी करेगा, यह भी करेगा, यह भी करेगा, टोटल पांच रिंग बनते हैं। तो पांच रिंग बनते हैं तो चिलेटिंग रिंग ज्यादा हुआ, तो सबसे ज्यादा वैल्यू हम किसको देंगे चिलेटिंग के लिए, ईडीटीए को देंगे। और यह पता है क्या, यह कार्बोक्सिलेट है, यह कार्बोक्सिलेट है, यह भी मेटल के साथ जुड़ के क्या बनाता है, रिंग बनाता है, मेटल के साथ रिंग बनाता है, लेकिन इसके ईडीटीए के कंपैरिजन में कम बना देता है, इसको हम जस्ट इसके पहले रखेंगे, और एनएस थ्री कोई रिंग नहीं बनाता, इसको हम कहां रखेंगे लास्ट में। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर। बताओ जरा इसमें किसी को कुछ भी डाउट है क्या? सबको समझ आ गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अमित अमित अभी तक मैं पता है क्या करा रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना उसका रिवीजन करा रहा हूँ, और इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का संडे को क्या है बताओ जरा, टेस्ट है, टेस्ट है, ठीक है, उसके लिए मैं आप लोग के लिए रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये तो हो गया, मैंने दो क्वेश्चन बता दिए, फटाफट इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आप लोग बताओ। सर ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर, ऑप्शन डी सर। चैट बॉक्स में सभी को बताओ, क्लियर है क्या? ये ना आपके बुक में ना फ्रंट पेज पे दिख जाएगा, जो पोटास एलम होता है वो क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट का मतलब, डबल सॉल्ट का मतलब आप लोग बताओगे क्या क्या होता है डबल सॉल्ट का मतलब? इसमें दो एलिमेंट्स सर जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, प्रेजेंट होते हैं। मान लो कि हमारे पास NaCl है, यह एक सॉल्ट है और एक KCl है, यह सॉल्ट है, अगर दोनों सॉल्ट मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। क्या बात, क्या बात, क्लियर है क्या? यस सर। कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे पोटास एलम का? सर के K2SO4 डॉट Al2SO4 पे ट्राइस डॉट 24H2O, ठीक है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो K2SO4 है ना, यह एक साल्ट है, और Al2SO4 पे ट्राइस, यह भी क्या एक सॉल्ट है। तो आप बताओ जब दोनों सॉल्ट मिल गया तो क्या बन गया, डबल सॉल्ट बन गया क्या? जी डबल सॉल्ट बन यस सर। हाँ, अब पहली बात, हाइपो एक कंपाउंड है या डबल सॉल्ट नहीं है, और K4FeCN6 ये आप लोग जानते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स। अब ब्लीचिंग पाउडर भी एक कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड है और कुछ नहीं है, डन क्या? यस सर। यस सर। ये बताओ जरा, इथिलीन डाई एमीन इज एन एग्जाम्पल सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, प्रगति ऑप्टिकल आइसोमरी कहां से आ गया,
प्रगति। अच्छा कल क्या हुआ था केमिस्ट्री में? अमित ओझा आप कल नहीं आए थे क्या? कल नहीं आए थे क्या आप? नहीं सर, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए से नहीं आया था। चलो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है? जिसकी जी भी सर। ऐसी प्रॉब्लम हो आप लोग क्या कर लेना, रिकॉर्डिंग्स जरूर देख लेना। तो जरा बताना आप लोग ये क्या होगा, इथिलीन डाइएमीन एग्जांपल ऑफ बाय सब टेंडेंट, बाइडेंट होगा, बाय टेंडेंट, मान लो कि यह एक बाय मेटल है। टेंडेंट। क्या है मेटल है? अगर मैं NH3 की बात करूं तो NH3 के पास लोन पेयर होता है और यह मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, मोनो मोनोडेंटेट। डेंटेट बोलेंगे। अब सिंपल सी बात है, मान लो यह मेटल है और दूसरा हमारे पास इथिलीन डाइएमीन है। इथिलीन डाइएमीन का फोटो देखो क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले इथिलीन बना देते हैं CH2, CH2, और एमीन का बना लेते हैं NH2, और यहाँ पे क्या है NH2, बन गया NH2। क्या इथिलीन डाइएमीन। तो इसके यस सर। पास भी लोन पेयर होता है, यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसके पास भी लोन पेयर होता है, यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जब कोई एक कंपाउंड दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसकी डेंटिसिटी दो हो जाती है। डेंटिसिटी क्या हो जाती है? दो हो जाती है। तो तो यह इथिलीन दो हो जाती डाइएमीन है। ही, इसको हम लोग ईएन से भी शो करते हैं, ईएन से भी। इसकी डेंटिसिटी दो है। दो किस लिए है? क्योंकि यह दो जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाई डेंटेट बाय बोलेंगे। डेंटेट, बाय आप डेंटिस्ट, बताओ, आप बताओ EDTA कौन सा डेंटेट है? पॉलीडेंटेट, एक्सा पॉलीडेंटेट। डेंटेट, पहली बात पॉलीडेंटेट पॉलीडेंटेट है, लेकिन ना छह जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेंटेट बोलते हैं। अगर मान लो कोई तीन जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट। क्या बात है, क्लियर है क्या? यस यस सर। यस सर, यस हाँ सर। कोई आप लोग ट्राइडेंटेट का कोई एग्जांपल बताओगे? कोई भी ट्राइडेंटेट का एग्जांपल आप लोग बताओगे आपके माइंड में हो तो? चुप हो जाओ यार, चैट बॉक्स में चुप हो जाओ, ठीक है? आप रिकॉर्डिंग्स देख लो अमित। ट्राइडेंटेट का आप लोग कोई एग्जांपल बताओगे क्या? याद नहीं आ रहा सर। मैं बताता हूँ ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल, ध्यान से देखो। डाई इथिलीन ट्राइएमीन, क्या? डाई क्लीन ट्राई क्लीन ट्राइएमाइन इथिलीन ट्राइएमीन ट्राई एमीन। तो ध्यान से देखो, डाई इथिलीन सबसे पहले मैं बना दे रहा हूँ CH2, CH2। क्या यह इथिलीन बन गया क्या? CH2, CH2। अब मैं ट्राई एमीन बना रहा हूँ, यस एन एच बन गया, और यहाँ पे NH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनएच NH2। टू आप बताओ, यह भी एमीन है, यह भी एमीन है, और यह भी एमीन है, और ये दोनों क्या है, इथिलीन है, इथिलीन ठीक है क्या? डाई इथिलीन ट्रायमीन ट्रायमाइन। किसी को कुछ भी डाउट है क्या? किसी को कुछ भी डाउट है? नो नो सर, सर। अब नो सर। देखो, यह नाइट्रोजन है ना, तो लोन पेयर से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट और लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन तीन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन, यही क्या हो जाएगा, यही ट्राइडेंटेट हो जाएगा, क्योंकि तीन जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट। ट्राइडेंटेट लिगेंड। बातें क्लियर है? यस सर, चलो यस इसका सर। बताओ आप फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताओ आप लोग। थर्ड होगा कोई और बताओ, और भी कोई बता दो। थर्ड ही होगा। क्लियर है? क्या बात है, किसी को कुछ भी डाउट है अपने एंड से? नो सर। एक बार बता देना सर, नो एक बार, सर, ये मेरा बता ऑपरेशन दो। अरे नंबर एक गलत बार आ रहा। बता, देखो सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स एक्स को मान लो एम दिया हुआ, कोई भी मेटल है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, SO4 जुड़ा हुआ है, SO4, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH3 पे फाइव, NH3, फाइव, और यहाँ पे Cl है। Cl-. सबसे पहली बात, मैं यस सर, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया,
एक्स मान लिया एक्स, और आप बताओ एसओ फोर पे क्या होता है, एसओ फोर माइनस माइनस टू माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू, और ये अमोनिया जो होता है क्या होता है न्यूट्रल होता है माइनस होता जीरो, है जीरो, 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 जीरो वाला होता है, तो मैं इसको जीरो लिख देता हूँ। और क्लोरीन पे बताओ जरा, माइनस वन सर, माइनस वन, माइनस वन, ओवरऑल जीरो। क्या बातें क्लियर है क्या, प्लस थ्री माइनस थ्री, यस सर प्लस थ्री हो जाएगा, बराबर प्लस थ्री। आप बताओ हमारे पास दो ही जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे प्लस थ्री दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, आप बताओ कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी वाला, इसलिए ऑप्शन सी वाला ना, क्योंकि हमारे पास SO4 एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे पांच, मतलब पांच डोनेटिंग एटम है, तो टोटल छह कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया ना। यस सर, यस सर, तो सिक्स एंड थ्री हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है क्या बात है मेरी, यस सर, यस सर, यस सर। चलो इसका बता दो आप लोग सर, ऑप्शन फोर जीरो, जीरो, जीरो सर, जीरो सर, जीरो, जीरो, कैसे जीरो सर, कार्बोनिल की जीरो होती है सर चार्ज, कार्बोनिल जीरो चार्ज होता है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड है सर ये कार्बोनिल सर, सीओ न्यूट्रल। क्या सबको क्लियर है, वॉइस आ रही है, ऐसे हो रहा है, यस सर, हां मेरी, आपकी वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है, क्या बताओ क्या सबको क्लियर है क्या, जी सर, यस सर। देखो सिंपल सी बात है ना, हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है और CO5 दिया हुआ है, तो आपको पता है जो कार्बोनिल है ना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो होता है, इसको हम x मान लेंगे, प्लस 5 इनटू 0 ओवरऑल जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो, क्लियर है, यस सर। चलो आप लोग इसका बता दो, वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन है ये, वर्नर थ्योरी से, ऑप्शन टू, बताओ चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, फर्स्ट, सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, मैं देख लूंगा। फर्स्ट होगा सर इसका, चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, किसी का आया क्या, और भी बाकी लोग, बाकी लोग बताओ, अरे बाकी लोग नहीं बताओगे सर, फर्स्ट, क्या आंसर आया, फर्स्ट सर, फर्स्ट, फर्स्ट, चलो ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि बोल रहा है ना, व्हेन AgNO3 इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ, इतना मान लो कि हमारे पास AgNO3 है और इसके सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया है, कोबाल्ट है, NH3 है, 5 है और Cl3 है, तो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl3, तो जाहिर सी बात क्या बना, AgCl बना, सो टू आयोनाइजेबल क्लोराइड, हमारे पास ना दो आयोनाइजेबल क्लोराइड क्या बने, बने, इसका AG मतलब क्या है जरा बताना, इसका मतलब यह किस तरीके से होगा, तो यह बना होगा कुछ ऐसे होगा, क्या कोबाल्ट होगा, एनएच थ्री पे फाइव होगा, एक अंदर सीएल होगा और क्लोरीन लगेगा, तो दो क्लोरीन बाहर होंगे, दो क्लोरीन, अभी तो यह दोनों क्लोरीन आयोनाइजेबल होगा या दो AgCl बनाए, जरा बताना कुछ ऐसे हुआ ना। अब ये बताओ लिखा हुआ है कि टू क्लोरीन एटम सेटिस्फाइड प्राइमरी वैलेंसी एंड वन सेकेंडरी वैलेंसी, बताओ क्या यह गलत है कि सही है, सही, सही है, सही है सर। पहली बात देख लो कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, जो नेगेटिव आयन होते हैं ना, वही क्या होते हैं, वही प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं, ठीक है, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के काम आते हैं, यह वाला भी क्लोरीन काम आएगा और यह वाला भी क्लोरीन काम आएगा, तीनों के तीनों क्लोरीन काम आएंगे ऑक्सीडेशन निकालने में, और वही प्राइमरी वैलेंसी को वो करेंगे, मैंने आपको क्लास में बताया था काफी अच्छे से,
दूसरा देखो तो सर इसका क्या होगा फिर वन क्लोरीन एटम सेटिस्फाइड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी बताओ जरा नहीं देखो अरे भाई एक क्लोरीन यह प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है यस अरे प्राइमरी वैलेंसी में तो तीनों काम आ रहा है लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में कौन काम आ रहा है एक क्लोरीन काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लोरीन जो है ना वो प्राइमरी वैलेंसी में भी काम आएगा और सेकेंडरी वैलेंसी में भी काम आएगा क्लियर है क्या यस तो यह वाला ऑप्शन सही है सेकंड वाला थर्ड वाला देख लेते हैं थ्री क्लोरीन एटम सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी केवल कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने के काम आता है क्या यह बाहर वाला क्लोरीन सेकेंडरी क्या बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के काम आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि बाहर वाले क्लोरीन से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं डिसाइड करते अंदर वाले से ही पूरा डिसाइड करते हैं ठीक है क्या यह तो बिल्कुल yes, और लिखा हुआ थ्री क्लोरीन एटम सेटिस्फाइड सेकेंडरी वैलेंस अरे केवल एक डिसाइड करा ना क्या बात है क्लियर है यस क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस सर यस सर आ गया आप लोग ना क्वेश्चन की भावनाओं को समझो ठीक है मैंने सही करके गलत कर दिया जतिन क्वेश्चन की भावनाओं को समझो मैंने बता रखा था कि कैसे होगा जब मैं पढ़ा रहा था बर्नर्ड थ्योरी तो ठीक है जी सर ओके चलो फटाफट इसका आंसर बता दो फटाफट इसका आंसर बता दो सर ऑप्शन वन बाकी लोग बताओ सर वन देखो नाम देखो सबसे पहले नाम क्या लिखा हुआ है क्लोरो डाई क्लोरो डाई एक्वा ट्राई एमीन अमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड पहली बात ये बताओ कि क्लोराइड सबसे लास्ट में दिया हो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा लास्ट में क्या होगा क्लोरीन होगा ये क्लियर है क्या क्लियर है yes, अब देखो कि yes, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं बाद में हम लोग मेटल का नाम लिखते हैं लिगेंड कौन कौन सा है क्लोरो है तो हम क्लोरीन लिखते रहे उसके बाद क्या है डाई एक्वा है मतलब कि H2O लिखेंगे और उसके ऊपर 2 लिख देंगे ठीक है उसके बाद ट्राई एमीन इसका मतलब क्या है NH2 लिखेंगे NH3 लिखेंगे NH3 ये एमीन होता है और क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे क्लियर है क्या और उसके बाद हमारे पास कोबाल्ट है तो हो तो क्या अब सबसे पहली बात है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जरा बताना 3 है ना अरे भाई जो रोमन में होता है वही तो होता है ना यस सर 3 कर लो इसको 3 कर लो और इस पे हमारे पास क्या है इसको हम 0 मानते हैं इसको भी हम लोग क्या मानते हैं 0 मानते हैं 0 क्लियर है क्या और इसको हम लोग -1 मानते हैं माइनस हम लोग क्या मानेंगे -1 तो पता है क्या कि सबसे पहली बात या फिर अभी छोड़ो हमें इसको क्या लाना है इसको हमें 3 लाना है इसको हमें कैसे भी करके x को क्या लाना है 3 लाना है तो 3 कैसे लाएंगे पहली बात अंदर वाला जो क्लोरीन है यह तो सिंगल होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्लोरो लिखा है अगर 2 होता तो डाई क्लोरो लिखता ठीक है क्या तो -3 लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ तो -1 है यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या यस सर क्या x की वैल्यू 3 आ जाएगी जरा बताना यस सर क्लियर है तो यहाँ पे जो बाहर वाला क्लोरीन है 2 है कौन सा ऑप्शन सही होगा सर फर्स्ट वाला फर्स्ट सर ऑप्शन क्या सबको क्लियर है इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग बातें कर सकते हो नो सर क्लियर एक बार देख लो आप लोग ध्यान से देख लो किसी को भी डाउट है देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप लोग सही से करना क्लियर है सर क्लियर है पूरा यस सर ये बताओ इसका आंसर बताओ आप सेकंड लुईस बेस सभी को चैट बॉक्स में बताओ लुईस बेस
जतिन ए कैसे होगा सर? मुझे लग रहा है सर, देखो लगनिस नहीं यार, आप लोग पढ़ते नहीं हो, सही बता रहे हैं। मैंने मुझे ये क्लास नहीं आ रहा, मुझे शायद लगा कि लुईस एसिड। पहली बात सुन लो, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर देता है, क्लियर है क्या? एसिड एसिड बेस का डेफिनेशन क्या होता है? जो लोन पेयर लेता है वो एसिड होता है, जो लोन पेयर देता है वो बेस होता है। तो लिगेंड तो लोन पेयर देते हैं ना अपना, तो लिगेंड क्या होंगे जरा बताना? लुईस बेस, लुईस बेस होंगे, क्योंकि यह तो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना। ओके सर, समझ गया। NH3 वाला देख लो, NH3 वाला भले ही से न्यूट्रल है, चार्ज कोई नहीं है, लेकिन यह भी अपना लोन पेयर देता है। लोन पेयर देता है। H2O का देख लो, यह भी अपना लोन पेयर देता है। लुईस बेस। ये बताओ दसवां का बताओ, बताओ जरा आप लोग इसका। सर ऑप्शन थ्री। सर सेकंड एंड थर्ड। देखो पहली बात देख लो, एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड मान लो कि हमारे पास सीएन है, क्या है? सीएन है, यह एम्बिडेंटेड लिगेंड है। पहली बात, यह सी से भी मेटल को कोऑर्डिनेट कर सकता है और एन से भी कर सकता है मेटल को कोऑर्डिनेट, लेकिन ना एक टाइम में किसी एक ही से करेगा, दोनों से नहीं करेगा। तो पता है क्या होता है? पहली बात एम्बिडेंटेड की खासियत सुन लो, पहली बात यह मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, लेकिन इनके पास ना दो डोनर एटम होता है, क्या होता है? दो डोनर साइड होता है, दो डोनर साइड होता है, एक टाइम में किसी एक ही साइड से कनेक्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात देखो क्या है, इज लिंक्ड टू द मेटल एट टू पॉइंट, लिंक्ड टू द मेटल एट टू पॉइंट, क्या दोनों पॉइंट से लिंक करते हैं क्या? लिखा हुआ हैज टू डोनर एटम बट ओनली वन ऑफ देम हैज कैपेसिटी टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बात है सही है कि गलत? सही है, yes, नहीं सर, सर दोनों कर सकते हैं, कैपेसिटी दोनों के पास होती है सर। वन ऑफ देम हैज कैपेसिटी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा देख लेते हैं, हैज टू डोनर एटम बट आइदर ऑफ टू कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका मतलब जरा बताना। गलत है सर, तीनों में दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। बताओ किसको, कुछ किसी को कुछ भी डाउट है? सर ऑप्शन थर्ड ही सही होगा सर। क्या ऑप्शन थर्ड सही होगा? सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है। पहली बात ना, आप लोगों के पास मॉड्यूल है कि नहीं है? यस है सर। देख के बताओ, देख के बताओ, देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ा है, देख के बताओ। देख के बताओ, देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ा है, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। सर थर्ड ही होगा इसको। किसी ने देखा क्या इसका आंसर? सर चेक कर रहे हैं। चेक करो, चेक करो क्या होगा। पहली बात, इसके दो डोनर एटम होते हैं लेकिन दोनों के पास कैपेसिटी होती है बॉन्ड बनाने की, लेकिन एक टाइम में कोई एक ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास नहीं होता, दोनों के पास कैपेसिटी होता है। क्या आंसर आया, थर्ड या फिर सेकंड? वैसे थर्ड आएगा, थर्ड आएगा सर। आप लोग देख के बताओ, किसी को नहीं मिला मतलब कि आप लोग ने मॉड्यूल पढ़ा ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। थर्ड होगा, ठीक है सर को थर्ड होगा, ठीक है। पहली बात देखो, इसके दो साइड होते हैं और दोनों के दोनों चाहे तो बना लेगा, लेकिन एक टाइम में कोई एक ही बनाएगा, ठीक है क्या? Yes, और ये बोला कि फॉर्म ऑफ किलेटिक रे, रिंग रिंग तो बनाएगा नहीं, जब एक ही बॉन्ड बनाएगा तो रिंग बनाएगा ही नहीं, क्लियर है? बोलो क्लियर। इसका जरा बताना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बताना जरा
सर ऑप्शन थ्री बताओ जरा इसका ऑप्शन थ्री सर थर्ड ऑप्शन है डी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सर ऑप्शन थ्री यह दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सीधी सी बात आपको दिख रहा है ठीक है यह yes, आपको sir. चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यह भी आपको दिख रहा है यह कितना बनाएगा छह बनाएगा अरे छह लिगेंड है ना और सबके सब मोनोडेंटेट वाले हैं और यह भी छह बनाएगा क्या बातें क्लियर है क्या यस सर हाँ ऐसा ऐसा चीजें आप ये बताओ आप लोग सर ऑप्शन ए चैट बॉक्स में बताओ सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ चैट बॉक्स में बताओ चैट बॉक्स में बताओ सभी को आया क्या किसी का यस सर ऑप्शन वन ही होगा इसका देखो इन अ कॉम्प्लेक्स द करेक्ट स्टेटमेंट प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल बिल्कुल सही बोला प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है तो आयनाइजेबल होता है इसी की वजह से क्या होता है कि वह मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करता है ठीक है क्लियर yes, क्या तो यह okay, तो बिल्कुल गलत है कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है अब लिखा है सेकेंडरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल ये बताओ क्या यह सही है कि गलत है नहीं सर ये गलत नहीं होता सर ये बॉन्ड बना क्या क्या स्टेटमेंट होना चाहिए क्या स्टेटमेंट होना चाहिए फर्स्ट पहली बात सुन लो सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मान लो कि हमारे पास कोई मेटल है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है H2O जुड़ा हुआ है क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो पता है क्या कि यह H2O भी सेकेंडरी वैलेंसी है यह भी सेकेंडरी वैलेंसी है यह आयोनाइजेबल है क्योंकि माइनस बनाएगा तो सिंपल सी बात यह है ना यह आयोनाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ये डायरेक्टली एक ही ऑप्शन है क्लियर है बातें यस सर बताओ जरा इसका आपको इसका आंसर आप लोग बताओ जरा इसका आंसर बताओ आप लोग ऑप्शन नंबर थ्री सभी को बताओ सभी को चैट बॉक्स में बताओ सभी को बताओ भाई ऑप्शन थ्री होगा चैट बॉक्स में बताओ अब अभी बहुत ही कम बच्चे बताए सभी को ही बताओ सभी को ही बताओ बाकी लोग सभी को ही बताओ
और भी बच्चे, बाकी बच्चे? चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या दिया, कुछ क्या कुछ ऐसे दिया होगा, कोबाल्ट है और क्या है, आप ये बताओ कि कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3 आप म्यूट हो गए सर। देखो सिंपल सी बात, देखो कोबाल्ट है और यहाँ पे F6 है, -3 है, आप इसको क्या मानोगे, X मानोगे और 6 है, और एक आयरन पे, एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 वो माइनस चार्ज -3। अरे तो X पे क्या हो जाएगा, क्या +3 आ जाएगा क्या, जरा +3। यस सर। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। और तीन इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मतलब आर्गन 18, 4s0 3d, 6d। अब देखो d6 में हम कैसे बनाते हैं, क्या d में 5 ऑर्बिटल है क्या, 2, 3, 4, 5 और 6। आप एक बात बताओ, क्या जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड होता है। पहली बात, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, पेयरिंग करा नहीं पाएगा? नो सर। अब पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो आपको दिख रहा है कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4। सर 4। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो 4 4 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 20 24। ठीक है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो, मैग्नेटिक मोमेंट तो निकालना आता है ना आप लोग को? Yes, sir. चलो इसका जरा बता दो, फटाफट बता दो। सर ऑप्शन 3। कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ऑप्शन 2। भाई जो जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना वो केवल और केवल बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। सेकेंडरी वैलेंसी जितनी भी होगी वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करेगी, डिसाइड करेगी। सेकेंडरी वैलेंसी पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप बताओ सबके सब न्यूट्रल आ गए तो क्या वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। लेकिन वर्नर थ्योरी में स्पेशली बोला गया है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या डिसाइड करती है, केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप लोग ना थ्योरी फिर से सही से पढ़ना, ठीक है, खासकर वर्नर थ्योरी वाला सही से पढ़ना, आता अच्छे खासे क्वेश्चन आता है। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ आपको। सर ऑप्शन 3 होगा सर इसको। ऑप्शन 1 होगा सर। सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, चैट बॉक्स में बताओ। किसी का आया क्या? सिंपल सी बात देख लो कि मॉलिकुलर फॉर्मूला, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वेरियस हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आर गिवन। हमारे पास कुछ इस प्रकार हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ NH3 लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन रेस्पेक्टिवली 6, 5 और 4, देन प्राइमरी वैलेंसी इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली आर। पहली बात देखो कि हमारे पास पहला दिया हुआ कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है, क्रोमियम है,
अब ये बताओ पहले वाले से जो हमारे पास NH3 वो कितना जुड़ा हुआ, क्या 6 टाइम्स जुड़ा हुआ क्या? यस सर 6 NH3 6 जुड़ा हुआ है। तो आप बताओ जब 6 जुड़ा हुआ तो क्लोरीन कितना है पहले में? 3 है ना, तीनों क्लोरीन कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे ना, बाहर जाएंगे। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है? क्रोमियम है। अब इस बार बताओ क्रोमियम से NH3 मतलब कितना जुड़ा हुआ दूसरे में, क्या 5 जुड़ा हुआ है क्या? यस सर 5 जुड़ा हुआ है, 5 जुड़ा हुआ है। जब यह 5 होगा तो क्लोरीन क्या होगा, क्या क्लोरीन एक ही होगा? यस सर 2 क्लोरीन बाहर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना, देखो हेक्सा कोऑर्डिनेट बोला ठीक है, तो 2 क्लोरीन क्या होगा, 2 ही बाहर आएगा, बाहर जाएंगे। यस सर तीसरे वाले में देखो क्रोमियम है NH3 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा Cl2 आएगा क्योंकि इस बार 4 जुड़ा है ठीक है, एक ही क्लोरीन तो बाहर आएगा ना। यस सर बोलो अब क्या हमसे पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है देन द प्राइमरी वैलेंसी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, बताना जरा प्राइमरी वैलेंसी फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितना आएगा सर? थर्ड ऑप्शन 3-2-1 अरे भाई प्राइमरी वैलेंसी क्या करता है, प्राइमरी वैलेंसी मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करता है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ी मतलब है, तो यह भी तो डिसाइड करेगा ना मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। इसको एक्स मानोगे, इसको आप जीरो मानोगे और इसको माइनस 3 मानोगे, तो एक्स बराबर क्या जाएगा प्लस 3, यह भी क्लोरीन को डिसाइड किया ना। यस सर फर्स्ट का 3, सेकंड का 2 और थर्ड का 1। और इसमें बताओ इसमें कौन कौन सा है, इसमें कौन कौन सा, इसमें यह भी क्लोरीन है और यह भी क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन मिलके क्या डिसाइड करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब सीधी सी बात यही है कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करे। यह भी लगा हुआ है ना, यह भी लगा हुआ ना, ये देखो माइनस 1 माइनस 2 दोनों मिलके ना माइनस 3 ला रहे हैं, प्लस 3 ला रहे हैं। यस सर। और तीसरे वाले बताओ यह भी क्लोरीन डिसाइड कर रहा है, यह भी क्लोरीन डिसाइड कर रहा है, ये भी प्लस 3 होगा तो ऑप्शन 1 होगा, प्लस 3 हो जाएगा। बोल रहा है कि देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सिंपल सी बात है, सब में 3 3 3 होगा, कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। नहीं समझे आप लोग? यस सर आ गया। थोड़ा सा ना सोचो सही से, देखो जेई बोलता है, जेई मेंस वगैरह बोलता कि सोचो, वो बोलता कि हम क्वेश्चन टफ नहीं बनाएंगे, लेकिन आप सोचो अच्छे से, जितने अच्छे से सोचोगे लोग उतना ही अच्छा होगा, बेस्ट होगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर यस सर। युवराज आपको कुछ पूछना है बताओ, युवराज क्या पूछना है आपको? नो सर कुछ नहीं पूछना, ठीक है। बताना जना व्हेन इतना आयोनाइज इन वाटर, अगर मैं इन सबको अगर पानी में डाल दूं तो टोटल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड है, जरा बताना कितने टोटल नंबर ऑफ आयन बनेंगे सर? ऑप्शन 1 3 देखो सर 3 सर माइनस 3 सॉरी 3 सर क्लोरीन 3 बनेगा, ऑप्शन 1 होगा सर, ऑप्शन 1 होगा। पहली बात देखो आप बताओ टूटेगा तो क्या बनेगा, कोबाल्ट NH3 6 यहां पे आएगा 3 प्लस आएगा और प्लस और Cl माइनस 3 Cl माइनस। अब देखो एक आयन यह और तीन आयन यह, यस सर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर, समझा करो आप लोग, समझा करो ठीक है। yes, sir, समझा करो, कुछ टफ नहीं है इसका, जरा बताना हाइब्रिडाइजेशन ना पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन जरा बताना क्या क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, के थ्री एफ ई सी एन सिक्स और दूसरा हमारे पास क्या है के फोर फटाफट बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा, देखते कौन बताता है। सर सेकंड चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में आप लोग चैट बॉक्स में बताओ,
सर ऑप्शन बी। क्या बताया आपने? ऑप्शन सेकंड बी बी। ऑप्शन सेकंड सेकंड टू सेकंड। आओ देखते हैं सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, इसको आप क्या मानोगे? इसका होता है प्लस वन और टोटल ये कितने हैं? थ्री हैं। इसका क्या होगा? एक्स मानोगे, ठीक है, और यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? एक्स बराबर क्या बनाएगा जरा बताना, क्या प्लस थ्री आएगा इस केस में, और इस केस में एक्स बराबर क्या आएगा? प्लस टू आएगा, यानी कि आयरन यहाँ पे प्लस थ्री आएगा और यहाँ पे आयरन क्या आएगा? प्लस टू आएगा, ठीक है। अब प्लस थ्री का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर 26 होता तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 23 हो जाएगा। 23 क्या? इसका मतलब आर्गन 18, 4s 0 और 3d 5। इसमें क्या होगा? आर्गन 18, 4s 0 और 3d 6। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जब 3d 5 होगा तो क्या कुछ ऐसे होगा? एक दो तीन चार और यहाँ पे पांच। और इस केस में बताओ जरा, एक दो तीन चार पांच और एक छह। अब सिंपल सी बात है ना, जो सीएन होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड एलिगेंट होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एलिगेंट होता है तो क्या कराते हैं सब? पेयरिंग कराएंगे तो यह दोनों डब्बा खाली हो जाएगा। Yes, और इस केस में भी क्या होगा? दोनों डब्बा क्या हो जाएगा? दोनों डब्बा इस खाली हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? यह D2 का यूज होगा और लास्ट वाला SP3। और SP3 भी क्या होगा? D2 D2 SP3 सेकंड ऑप्शन। क्या बात है, क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, इसमें ना अभी भी एक अनपेयर बच रहा है। यह हो जाता है पैरा मैग्नेटिक और इसमें कोई भी अनपेयर नहीं बचता। क्लियर? क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक। कभी-कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरा होगा या फिर डाया होगा, ठीक है? समझ जाओगे क्या आप लोग? यस यस सर। यस सर समझ जाओगे। जरा इसका बताओ आप लोग, इसका फटाफट आप लोग बताओ। सर सेकंड ऑप्शन होगा बोट SP3D। बताओ आप लोग, बताओ क्या होगा? सर ऑप्शन बी। अदर सेकंड ऑप्शन। देखो ध्यान से आप देखो, क्या है हमारे पास? कुछ ऐसे है क्या? Ni NH3 6 है और यहाँ पे क्या है? प्लस टू है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो निकिल पे कितना चार्ज आएगा जरा बताना? प्लस टू आएगा। प्लस टू निकिल का होता है 28। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 26 का क्या मतलब है? 3d 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या? आओ 3d 8 लिखते हैं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। डन। अब एक चीज ध्यान से देखना, इसमें क्या हमें ध्यान से देखना है? अगर नाइट्रोजन पे प्लस थ्री होता तो यही NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड एलिगेंट जैसे काम करता। माइनस थ्री है तो कैसे काम करेगा? वीक फील्ड। और वीक फील्ड जैसे काम करेगा तो पेयरिंग करा नहीं पाएगा, और नहीं करा पाएगा तो एक S का होगा, 3p का होगा और किसका यूज होगा? 2d का यूज होगा। SP3D2 हो जाएगा। आते हैं इसमें जिंक में। जिंक वाले में पता है दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d10 हो जाएगा, और 3d10 हो जाएगा तो आप बताओ क्या इसका d वाला पूरा भरा हुआ है क्या? यस सर, डी फुली फिल्ड है। डी वाला पूरा भरा हुआ तो जाहिर सी बात है एक एस का यूज करेगा, 3p का यूज करेगा, 2d का यूज करेगा, किसका भी SP3D2 हो जाएगा। क्या बात है, क्लियर है? यस सर। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा। नो सर कोई डाउट नहीं है। चलो आप लोग इसका आंसर बताओ इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, मैं पानी भर के लाता हूँ, ठीक है? चैट बॉक्स में बताओ सर। ऑप्शन 3। ओके सर। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स।
पैटर्न। पहली बात सर, मैंने आपसे एक चीज बताया था, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना उसकी सीएफएससी ज्यादा होगी। तो हमारे पास NH3 है, OH है और हमारे पास CN है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है? CN। तो CN की सीएफएससी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा। जरा बताना, तब पर्पल कलर ऑफ TiH2O6 और यहाँ पे क्या है +3, किस रीजन से होता है जरा बताना, किस रीजन से होता है? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में रीजन बताओ, विद रीजन। रीजन के साथ बताओ क्यों ऐसा होता है। पहली बात देख लो, हमारे पास क्या दिया, Titanium 3+ दिया हुआ। टाइटेनियम कितना दिया हुआ? 3+। और टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है। तो आप बताओ क्या इसमें 3D बना चार्ज ट्रांसफर? नहीं, चार्ज ट्रांसफर इसमें नहीं होता। चार्ज ट्रांसफर आपका KMnO4 में होता है। और किसमें होता है जरा बताओ? सब में होता है, ठीक है। इसमें इसमें पता है क्या, डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन, क्लियर है? यस सर। इसका बताओ P2G। देखो सबसे पहली बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जाहिर सी बात है EG ऊपर आता है और T2G कहाँ आता है? नीचे आता है। तो यह उसी में पॉसिबल है ना, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और जो पेयरिंग करा लेगा उसी में पॉसिबल है। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और TG में 0। ये बताओ T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए? अरे भाई, उसके डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस सर। यस सर। देख के बताओ किसके डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका चेक करूं ना, इसका चेक करूं तो हमारे पास क्या आएगा, Fe3+ आएगा। और 3+ तो वैसे भी वीक फील्ड के अंदर, सुन लो, 23 इलेक्ट्रॉन होगा, 23 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, D5 होगा क्या? यस सर। यस सर। और इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी हमारे पास Fe3+ आएगा और इसमें भी D5 होगा। इस केस में हमारे पास Fe क्या आएगा, 2+ आएगा और इसमें इसका बताओ कौन सा ऐसा जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता? सर H2O सर, ऑप्शन 1 H2O। क्या H2O के पास, H2O के पास कोई दो साइड है क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए? नहीं है ना, केवल ऑक्सीजन। नो सर, H2O होगा, H2O। समझो आप लोग, ठीक है, पढ़ाई करो। yes, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, ये तो मैंने बताया ही है। ये जरा बताना नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी मैंने आपको सब बताया काफी अच्छे से। आइसोमेरिज्म एक बार फिर से पढ़ना है सर, मुझे अभी रिवीजन करनी है, तो थोड़ा वीक है सर मेरा। प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम है, एक हमारे पास NH3 है और दूसरा हमारे पास क्या है, NH3 है, एक हमारे पास क्लोरीन है, दूसरा क्या है हमारे पास, क्लोरीन है। आप बताओ क्या क्लोरीन, क्लोरीन एक ही साइड है क्या? यस सर। एक ही साइड होगा तो क्या होगा, सिस होगा, सिस। अब देखो, अब क्लोरीन क्लोरीन को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ट्रांस अपोजिट साइड बना ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये ट्रांस होगा ना। मैंने बोला ना, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो ही टाइप के होते हैं, सिस ट्रांस वाला, ई जेड वाला और सिन और एंटी वाला। तो हम लोग इस कोऑर्डिनेशन में केवल सिस ट्रांस वाला पढ़ते थे, इसका केवल दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, एक सिस और एक ट्रांस वाला। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। जरा इसका आंसर बताना, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन इतना में कितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे? सर ऑप्शन 2 3 सर 3
थ्री नहीं होगा, क्लियर है क्या? यस सर। क्रोमियम पे 3 प्लस आएगा, 3 प्लस इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 21 और आर्गन 18 3d डन। यस सर। यस सर। इसका बताओ आप लोग, इसका बताओ आप लोग, मैंने बताया था m अगर चारों अलग अलग हो तो इसके कितने आइसोमर होते हैं, इसके कितने आइसोमर होते हैं? सर वन चैट बॉक्स में बताओ, ऑप्शन टू थ्री चैट बॉक्स में बताओ सभी को। अरे मैंने आप लोग को ये लिखवाया था, क्या लिखवाया था सर? किसी एक को फिक्स कर दो, होगा थ्री, किसी एक को किसी एक को फिक्स कर दो, दूसरे को घुमाते रहो, ऐसे ही मैंने बताया था ना आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। थ्री आएगा, थ्री आएगा। अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल होता है, ए बी सी डी ई एफ जी हो जाता, तब बताना इसके कितने पॉसिबल आइसोमर होते हैं? फिफ्टीन होते हैं। यस सर। यार यार आपके में है यार, देखो पहली बात 15 तो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर और 15 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछता तो कितने बताते आप लोग? टोटल देखो स्टीरियो आइसोमर का मतलब ज्योमेट्रिकल भी होता है ऑप्टिकल होता है, तो ज्योमेट्रिकल 15 है ऑप्टिकल 15 है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। 15 ठीक है, प्लस हो जाता है। क्लियर है बातें? यस सर। बातें क्लियर है क्या? आप बताओ क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होगा क्या? बताना जरा ऐसे स्क्वायर प्लेनर में क्या ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होगा? आप बताओ ऐसे काटोगे ऐसे तो कट नहीं जाएगा क्या एकदम बराबर भागों में? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा क्या आपको? यस सर। यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा तो आइसोमर किस बात का, समझ गए क्या? यस सर। यस सर। तो पहली बात ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा केवल और केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, वो भी कितना होगा? 3 होगा। तो एक बार हम थोड़ा सा अपना वो वाला कर ले क्या, प्रैक्टिस वाला कर ले क्या? यस सर। आप प्रैक्टिस वाला कर देते, थोड़ा सा रुकते हैं, पीडीएफ बन जाने देते सर। क्या करें? अरे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं जो हम लोग मेजर टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा ओके सर। ओके आप लोग जरा फटाफट इसका आंसर बताओ। तो थोड़ा जूम कर दीजिए सर। मैं जूम नहीं करूं। इसका आंसर बताओ। ये 21 शिफ्ट का 21 ईयर का ईयर 21 का द नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम, बताना जरा 8 ग्राम सोडियम में कितना एटम होगा? सर 248। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। नेक्स्ट डे ना हम लोग ना मतलब जब मंडे आएगा ना तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है
एटॉमिक स्ट्रक्चर पे करेंगे आप लोग ना, ये पूरा आप लोग कर लेना जितना मैंने आप लोग को दिया। सर आपकी स्क्रीन से ली गई। अरे भाई नहीं गई है। आ गई सर, आ गई सर। सिंपल सी बात देख लो, इसका एटॉमिक वेट कितना दिया है 23, या फिर ऐसे बोल लो अगर मेरे पास 23 ग्राम सोडियम होगा तो कितना मोल होगा, एक मोल होगा, वन मोल, एक मोल, या फिर हम बोल सकते हैं कितना एटम, 6.02 × 10³। अगर हमारे पास एक ग्राम होता तो 6.02 × 10³ डिवाइड बाई 23, एक ग्राम के लिए हमारे पास कितना ग्राम है जरा बताना, 8 ग्राम में क्या, 8 ग्राम के लिए क्या आएगा, 6.02 × 10³ × 8 और डिवाइड बाय 48.16 × 10³ कैसे आएगा ना जरा बताना, ये बताओ ये लगभग क्या 3 टाइम्स में चला जाएगा क्या लगभग, यस सर, और ये लगभग कितने टाइम्स में जाएगा, 2 में, 2 टाइम्स में जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है देखो एग्जैक्टली 2 नहीं जो आएगा, या फिर 1.9 होगा या फिर 2.1 होगा, इसी के बीच में होगा ना बताना जरा, यस सर, 1.9 होगा या फिर 2.1 होगा, अगर मैं सही से एकदम कैलकुलेशन करूं तो। ये क्या बोला है हमसे, बोला कि नियरेस्ट इंटीजर में ला दो, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आएगा नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। बातें क्लियर है, यस क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने वो जब हम ट्राइट्रेशन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जरा बताओ आप लोग, ये आप लोग जरा बताओ, कितना आंसर आया सर, 12। सभी कोई बताओ कितना आंसर आ रहा है, बताओ कितना आंसर आ रहा है सभी कोई। सर 12 × 10³ चैट बॉक्स में बताओ यार, चैट बॉक्स में सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ। किसी को कुछ डाउट है बताओ जरा, डाउट है किसी को कुछ भी, देखो
सिंपल सी बात देखो क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, यह बोला कि 100 ml दिया हुआ, क्या हमारे पास वॉल्यूम डिसाइड कर दिया, क्या वॉल्यूम डिसाइड कर दिया है। अब ध्यान से देखो कि मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है Na3PO4, इसको आप लोग तोड़ोगे तो क्या बनेगा जरा बताना, 3Na प्लस और क्या बनेगा जरा बताओ, PO4 माइनस माइनस माइनस, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास सोडियम दे दिया है, कितना ग्राम सोडियम है, ठीक है सोडियम दे दिया हुआ, ये बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होता है, क्या W बाई एम भी होता है क्या, डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ 3.45 और मोलर मास कितना होता है सोडियम का 23। पहली बात यह सोडियम का दिया हुआ है सर, नहीं समझ आ रहा आप लोग को, चलो कोई मुझे बताओ, कोई सॉल्यूशन सेंड करो मुझे, आप लोग ने किया कैसे, 3.45 दिया हुआ है ना, चलो आप लोग सॉल्यूशन सेंड करो मुझे व्हाट्सएप पे, सॉल्यूशन सेंड करो आप लोग, मुझे डाउट हो रहा है आप लोगों से, मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन सेंड करो, मैं देखता हूँ कितने लोगों ने सॉल्यूशन सेंड कर रहे हैं आप लोग। मैं सर यही लेट करके किया सर, क्या सर, मैंने इसी को 3.45 ले सॉल्व, वो चैट बॉक्स में मुझे भेजो, किसने भेजा, बताओ भाई, थ्री पॉइंट फोर फाइव सोल्यूशन ऑफ सोडियम, नो सर गलत है बिल्कुल, बताओ बताओ, अरे नहीं आ रहा किसी को, आप ही करा दीजिए सर, नहीं पता चल रहा है किसी को भी, क्या आप लोग व्हाट्सएप पे तो सेंड करो जितने लोगों ने सेंड किया है, व्हाट्सएप पे तो सेंड करो ना जितने लोगों ने सेंड किया है, लिखा नंदिनी, आप पता नहीं यार, ध्यान से देखो, मैं इसको दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, सर स्क्रीन ही सर, सबको दिख रहा है, बताओ जरा, यस सर, यस सबको दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, Na3PO4 दिया हुआ है, यह टूटेगा तो क्या बनेगा जरा बताना, 3Na प्लस बनेगा और क्या बनेगा, Na+ Po4 3 माइनस, ना बताओ जरा 3 माइनस ना, क्लियर, ये देखो किसने भेज दिया मुझे, किसने मुझे सॉल्यूशन भेजा एक बार देखते हैं, सोनू मंडल ने सॉल्यूशन भेजा, टोटल मोल, सबसे पहले उन्होंने क्या निकाला, टोटल मोल निकाला, अब उसके बाद उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने 0.1 से डिवाइड कर दिया, मोल बाय 0.1, कितना कुछ उन्होंने लाया, चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मोल निकालेंगे, आप ये बताओ कि कितना ग्राम सोडियम दिया हुआ जरा बताना, 3.45 ग्राम सोडियम दिया हुआ, 3.45 ग्राम सोडियम दिया हुआ, सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे सोडियम कितना ग्राम है जरा बताना, क्या 3 × 23 ग्राम है, क्या मैं स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ, yes, कितना ग्राम है जरा बताओ, कितना ग्राम है, 3 × 23 69 ग्राम है, अगर हमारे पास 69 ग्राम सोडियम होगा तो यह कितना ग्राम होगा जरा बताओ, फास्फोरस का होता है 31 और ऑक्सीजन का होता है 64, तो 31 और 64 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, और 95 और 69 कितना होगा जरा बताओ, 165 और 1
164. मतलब कि देख लो, अगर मतलब कि हमारे पास 69 ग्राम क्या है, सोडियम है, सोडियम है, तो कितना ग्राम यह होना चाहिए जरा बताओ? 164 ग्राम. अगर हमारे पास एक ग्राम सोडियम होता तो यह कितना होना चाहिए? 164 डिवाइड बाई 69. हमारे पास सोडियम है कितना ग्राम जरा बताना? 3.45. कितना हो जाएगा? 164 डिवाइड बाई 69 इंटू 3.45. तो क्या हमें पता चल जाएगा क्या कि यह कितना ग्राम है जरा बताओ? यस सर. जब इसका ग्राम पता चल गया तो आप बताओ क्या हम इसके, हम अगर मानो यह ग्राम हमें डब्लू पता चल गया तो आप बताओ मोलारिटी बराबर क्या होता है? डब्लू बाई एम वी होता है. जी सर. यस सर. ठीक है, तो ये बताओ कि डब्लू कितना आया? 164 इंटू 3.65 डिवाइड बाई 69. और M की वैल्यू कितना आएगी? मॉलिकुलर वेट कितना होगा इसके लिए? 164 अभी हमने निकाला. Yes, sir. और वॉल्यूम कितना दिया? बस 100 ml दिया हुआ. और ऊपर आप क्या कर दो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसमें कन्वर्ट हो जाए, उसमें कन्वर्ट हो जाए लीटर में. इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या आएगा जरा बताना? हमारे पास आएगा 36.5 डिवाइडेड बाई 69. हाँ जी बताओ भाई क्या जतिन, क्या बोल रहे हो आप? जतिन आप कुछ बोल रहे हो क्या? अरे मॉलिकुलर वेट है ना ये. मैं काउंट कर लेता हूँ कि हमारे पास एक सोडियम का 23 होता है तो 3 सोडियम का कितना आएगा? 69. फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 64. क्या कुछ ऐसे ही होगा ना? ये 5 और 5 और 9 4 6 6 12 3 15 1 16 164 ही आएगा ना? यस सर. और गिलेस सोडियम का लेना सर. 0.5 के आसपास आएगा. जो भी है आप इसको क्या 15 × 10⁻²⁻ लिख सकते हो? लिख सकते हो. माइनस टू ऑलरेडी दिया हुआ आपका इंटीजर में, आंसर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा क्या? यस सर. मॉलिक्यूलर वेट 60 क्यों नहीं लिखा? 69 सॉरी. हेलो. हाँ जी बच्चों बताओ, क्लियर हो गया क्या सबको? यस सर. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तब तक के लिए सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर.